हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन टाई एंड स्टीरअप। दोस्तों आज हम टाई और स्टीरअप के बारे में डिफरेंट क्या होता है इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो टाई और स्टीरअप का जो डिफरेंट है वो पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक सिविल इंजीनियर को इसके बारे में फुल नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। ओके सो अपने जहन में आप ये बात पूरी तरह से क्लियर रखिए कि टाई क्या है, स्टीरअप क्या है। ओके और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ओके सबसे पहले टाई की बात करते हैं। टाई आर यूज्ड इन कॉलम, यानी कि टाई को हम कॉलम में यूज करते हैं। दोस्तों आपने कॉलम और बीम में देखा होगा कि एक रिंग लगी होती है जो कि मेन बार को पूरी तरह से बांध के रखती है, इसी को हम टाई या स्टीरअप बोलते हैं। ओके यानी कि यह रिंग जब कॉलम में यूज होती है तो उसको हम टाई बोलते हैं। सेकंड हम स्टीरअप की बात करते हैं। द स्टीरअप आर यूज्ड इन बीम, यानी कि बीम के मेन बार को एग्जैक्ट पोजीशन पे स्टेबल रखने के लिए हम जो रिंग बार यूज करते हैं उसको हम स्टीरअप बोलते हैं। ओके सो दोस्तों डिफरेंट यही होता है, हमारी जो रिंग होती है वो एक ही होती है, वह रिंग जब कॉलम में लगती है यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसको हम टाई बोलते हैं। सो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है बीम और टाई में क्या डिफरेंट है, आपको नॉर्मली बस यही बताना है कि कॉलम में जो हम रिंग बार यूज करते हैं उसको हम टाई बोलते हैं और बीम में हम जो रिंग बार यूज करते हैं उसको स्टीरअप बोलते हैं। ओके सो दोस्तों उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ड्राइंग, डिजाइन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ओके बाय। इंजीनियरिंग टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ड्राइंग, डिजाइन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।